तो जय हिंद साथियों, RPF कांस्टेबल SI की जो वैकेंसी आपकी आई थी 2024 में, तो काफ़ी लोगों ने उसका फॉर्म अप्लाई किया था और बेसब्री से अपने एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस का वेट कर रहे थे। सो फाइनली RPF की तरफ से उनका एप्लीकेशन स्टेटस रिलीज़ कर दिया गया है। आप जाके चेक कर सकते हो, जो RPF की ऑफिशियल साइट है उसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार चेक करके कि आप कैसे चेक कर पाओगे। और आपके पास एक मैसेज भी RPF की तरफ से आया होगा, ठीक है। मैं एक बार पहले आपको मैसेज दिखाता हूँ। ये मैसेज आप देख सकते हो 12:33 पे आया हुआ है। योर एप्लीकेशन फॉर्म, आपका नंबर लिखा होगा, हैज़ प्रोविजनली एक्सेप्टेड फ्रॉम RRB, ठीक है। यानी कि आपका जो फॉर्म था वो SI का फॉर्म आपका एक्सेप्ट हो चुका है RPF की तरफ से, ठीक है। एक बार मैं इसकी जो ऑफिशियल लिंक है, ऑफिशियल साइट है RPF की, उसमें चल के आपको दिखा देता हूँ। ऑफिशियल साइट ओपन कर लिया है, आप देख सकते हो। अगर आपके पास अभी तक कोई SMS नहीं आया है, मैसेज नहीं आया, तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। सिंपली आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जिस मोबाइल नंबर से आपने फॉर्म भरा था, और आपने जो पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड डालना है, कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना है। एक बार मैं लॉगिन करके भी आपको दिखा देता हूँ। लॉगिन करते हो, आपके सामने ये तीन चार ऑप्शन ओपन होके आएंगे, ठीक है। इसमें आपको जो एप्लीकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, इसमें जाके क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस पे आप देखोगे तो ये आपका लिखा होगा, लिखा हुआ आ जाएगा प्रोविजनली एक्सेप्टेड, ठीक है। तो ऐसे अगर आपके पास लिखा हुआ आ रहा है एक्सेप्टेड, तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है। और अगर आपका फॉर्म रिजेक्टेड बता रहा है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है RPF की तरफ से, ठीक है। तो यही अपडेट थी अभी RPF की साइड से। कॉन्स्टेबल का अभी शायद नहीं शो हो रहा है, तो थोड़ी देर बाद या कल तक कॉन्स्टेबल का भी स्टेटस आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।